हेलो दोस्तों, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए, और बेल आइकन को जरूर ऑन करें। बेल आइकन करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा लेटेस्ट वीडियो का। थैंक यू दोस्तों, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट शिमला का आर्मी का रैली जो भर्ती होने वाला है, हिमाचल प्रदेश वालों के लिए खास करके रैली का भर्ती होने वाला है। हिमाचल प्रदेश जो कि शिमला बोल सकते हैं यारो, तो आपको कैसे चेक करना है नोटिफिकेशन जो कि आया हुआ है, आपको ऑनलाइन डेट ये सब मैं आपको बताता हूँ कैसे चेक करना है। आपको गूगल में जाकर टाइप करना है joinindianarmy.nic.in, ठीक है? तो आप देखिए, हम लोग टाइप करते हैं ज्वाइन इंडियन आर्मी, ये देख सकते हैं जो ऊपर में लिखा हुआ है ज्वाइन इंडियन आर्मी, इस पर हमको क्लिक करना है, ठीक है? देखिए मैं क्लिक किया तो ये कुछ इस तरह से कैप्चा आएगा, ठीक है ना? तो इस कैप्चे को एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ये जो कैप्चा जो आएगा इसको हमको टाइप कर लेना है, ठीक है? तो देखिए हम टाइप कर लिए हैं, तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हमारे सामने आया है ज्वाइन इंडियन आर्मी जो कि हिमाचल प्रदेश से रिलेटेड, तो हमको रैली से रिलेटेड देखना है, तो यहाँ व्यू ऑल में देखेंगे हम लोग, ठीक है? तो देखिए व्यू ऑल पर क्लिक करने पर कुछ इस तरह से खुल रहा है लेटेस्ट रैली जो कि आपका क्या है, आपका जो भी स्टेट से है आप चेक कर सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको जो कि शिमला वालों के लिए, इस पर क्लिक करना है एआरओ शिमला पर, तो देखिए आपके सामने इस तरह से कुछ इंटरफेस खुलेगा। ये एडवर्टाइजमेंट आपका पीडीएफ फाइल है, ठीक है ना? आप लोग ध्यान से कर ले, मैं जूम कर देता हूँ, ठीक है? देख लीजिए आप लोग ज्वाइन आर्मी, आपका जो रैली होने वाला है वो देख सकते हैं, आपका लिखा हुआ है 3 मई से 9 मई 2018 तक रैली होने वाला है, ठीक है ना? 3 मई 2018 से 9 मई 2018 तक आपका रैली होने वाला है हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए, ठीक है? तो आप लोग तैयारी में लगें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, ठीक है? लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और ऑनलाइन डेट आपका जो है 4 मार्च 2018 से 17 अप्रैल 2018 तक आपका ऑनलाइन डेट रजिस्ट्रेशन आप कर सकते हैं, ठीक है? आपके स्क्रीन पर देखिए, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, देखिए 4 मार्च से 17 अप्रैल तक, ठीक है ना? इंडियन सिटीजन के लिए, इंडियन जितने भी इंडियन हैं कैंडिडेट उनके लिए। और तो मैंने पहले भी वीडियो में आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मैंने डाल दिया था, तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने दोबारा भी आपके ऊपर कर दिया है, आप लोग देख लें ध्यान से, स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया है एनसीसी वालों के लिए, स्पोर्ट्स कोटा वालों के लिए, सभी लोगों के लिए मैंने बता दिया, ठीक है ना? और अगर कोई जानकारी और चाहिए, जितने भी ट्रेड से भर्ती होने वाले हैं आप देख सकते हैं 6 ट्रेडों पर भर्ती होने वाला है, ठीक है ना? तो हाइट के अनुसार भी दिया गया है, तो आप लोग हिमाचल प्रदेश वालों के लिए हाइट में थोड़ा छूट रहता है, ठीक है ना? 163 सेंटीमीटर हाइट रहता है उन लोग का, लेकिन अदर में 169 सेंटीमीटर रहता है, 169 सेंटीमीटर कह सकते हैं या फिर 170। और क्लर्क वालों के लिए खास करके पता ही है आप लोगों को 162 सेंटीमीटर हाइट रहता है। और तो आप लोग तैयारी करें, आपका 9 मई से होने वाला है, तो आप लोग टेंशन ना लें। और भी कुछ अगर है तो आप लोग देख सकते हैं, मैं एग्जामिनेशन से रिलेटेड मैंने जो भी आपके स्क्रीन पर मैंने शो कर दिया, तो देख लें आप लोग। जय हिंद दोस्तों, देखिए इसमें भी लिख दिया गया, जय हिंद दोस्तों। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करो, और बेल आइकन को जरूर करो, ठीक है दोस्तों? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।